ये पद्मिनी जी इतनी बढ़िया महिलाओं की बात कर रही थी, महिलाएं ऐसी होती हैं वैसी होती हैं। ये मैम मैं आपको एक चीज बताऊं, जितने भी यहां पर पुरुष हैं जितने भी, ये अगर किसी भी दिन चाहे महीने में एक दिन के लिए भी नाई की दुकान पर जाएं, बाल कटा कर आए तो आते ही नहाते हैं। मैंने आज तक एक भी महिला को ब्यूटी पार्लर से आने के बाद मुंह तक धोते नहीं देखा। मैं तो देखो और मैं वाह नहीं नहीं अच्छा मैं तो अभी सच बता रहा हूं। वो एक चीज आपको और बताऊं, भारत में पिछले 1991 से 91 से लेके अब तक कोई भी महिला रात को 8 बजे से 10 बजे के बीच में नहीं मरी। रिकॉर्ड है ये, क्योंकि यमराज जैसे ही उनके प्राण लेने आता है खुद ही टीवी सीरियल देखने बैठ जाता है। और ये टीवी सीरियल तो ऐसा अद्भुत है, हाँ, और परोसने वाले नहीं है क्या तुम? एक बार मिलाओगे, एक रो खाएगी, दूसरा रो मुंह ताकेगी, तीन चार परोसने वाले हो जाओ। अच्छा देखो, ये तो परंपरा है कि हमारे वरिष्ठ अतिथि मुख्य अतिथि आप लोग, तो मतलब देखिए कितने घुले मिले बच्चे हैं जो आप लोगों को बाद में दे रहे हैं, नहीं तो बाकी जगह तो इन लोगों को पहले मिलता है। लेकिन यार हर बात में हाथ निकालता है, वाह एक बार बड़ी तालियां दो यार, वाह। तो मैं आपको बताऊं कि ये सच में ये स्थिति है, महिलाएं टीवी सीरियल छोड़ना ही नहीं चाहती आज की तारीख में। इतने सारे, मैं तो अभी बॉम्बे जा रहा था तो फ्लाइट में मुझे एकता कपूर मिल गई, वो जिसने घरों की एकता को कपूर की तरह उड़ा रखा है, वो मुझे मिल गई, बोली शंभू जी मैंने इतने अच्छे अच्छे टीवी सीरियल बनाए कि टीवी की बिक्री बहुत बढ़ गई। तो मैंने बताया जी हाँ मैं खुद अपना बेचकर आया हूं। वाह, ये महिलाएं मैम ऐसी होती हैं, ये देख कर ही उठेंगी दिया और बाती, हाँ। चाहे भूखा मर जाए जीवन साथी। ये सच बात है। अच्छा देखो ये मतलब कि ये बड़ा पद्मिनी जितना बढ़िया गा रही थी, हाँ। कि महिलाएं घर छोड़ करके आ गई, ये कर दी वो कर दी, मैं तो आपको बताऊं बारात लेके आए तब आना पड़ा। अच्छा बारात लेके आए तो बहुत अच्छा। हाँ, तो कितनी खतरनाक होती है महिलाएं, एक महिला को लाने के लिए 500 आदमी बारात में गए तब जा करके आया। खैर चलिए सुनिए, फटाफट लड़ ले लो, ओझा ले लो, ये ओझा जो थे ना पहले झा ही थे, ये थोड़ा दूर चले गए तो पीछे से आवाज दिया ओझा ठहराओ, तो ये ओझा हुए। तो ये प्रवांशु ओझा है मेरा, बहुत ही प्यारा छोटा भाई और बहुत ही सक्रिय रहते हैं। सबसे अच्छी बात है जो लिखने की बात चल रही थी ना, जो मैंने कहा कि तो यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं, सब जानते हैं, सब लिखते हैं। क्या चार लाइन सुनिएगा आपके आनंद के लिए, मेरी खीर एक बार बट जाए ना तो मैं भी थोड़ा रिदम में आ जाऊं। नहीं तब तक ऐसे मैं आपका मन बहला रहा हूँ। वो देखो ये जो महिलाएं होती है ना, मैं एक दिन मैंने देखा कि अच्छा टीवी सीरियल की एक खास बात और, जितनी बड़ी बिंदी उतनी ही खतरनाक औरत। एक दिन मैंने अपनी भाभी को देखा बिंदी लगाए हुए, तो मैंने पूछा भाभी ये क्या है, बोली ये तुम्हारे भैया है। फिर मैंने आगे निकला तो चाची ने बिंदी लगा रखा था, मैंने कहा चाची ये क्या है, बोले बेटा ये तुम्हारे चाचा हैं। अब मैम मैंने उसी चाचा को जब वॉश बेसिन में चिपका हुआ पाया। पुरुषों की ऐसी दुर्गति। और मुझे तो सच बता रहा हूं पुरुषों की किस्मत पर दया आ गई जब मैंने भैया को कमोड़ में चिपके हुए। ये ऐसा अद्भुत है हमारा देश, क्या बात है। एक बार खीर खा लो फटाफट आप लोग, फिर देखो मैं आप लोगों को बहुत अच्छा सुनाता हूँ। जी जी एक ही परोसने वाला है, खाने वाले इतने लोग हैं तो कोई बात नहीं। हाँ जल्दी जल्दी खीर खाइए, मैं आपको पहले चार लाइनें सुना देता हूँ, आपको आनंद आएगा। सारे लोग तो जाने पहचाने ही हैं, बिल्कुल नई नई कुछ चीजें सुनाऊंगा और उसके बाद अच्छी लगी तो और भी कुछ नई चीजें सुनाऊंगा। खीर वाला फिर आ गया, ले लो ले लो ले लो, आज तो खीर का ही दिन है साहब, लो खीर खाओ खीर। स्वागत। इधर वाले पूरे खाली है क्या तुम लोग? अच्छा चलो ठीक है।
इधर इधर वालों के लिए बचा के रखा आप लोगों ने, खैर दोबारा नहीं मिलेगा इस, दोबारा ऐसी डिमांड कर रहे हो दोबारा। चार लाइन सुनिए आप लोगों के आनंद के लिए पढ़ता हूँ, बिल्कुल नई चार लाइनें जो मैंने स्वागत दिया अभी अभी लिखा। आज जब मैं यहाँ पे आया तो एक आदमी लड़का सा मिला मुझे, हालांकि ये आदमी मैंने इसलिए बोला कि कुछ दिन पहले मैं JNU गया, वहां पे हॉस्टल में लड़के तो रहते नहीं सब आदमी ही हो जाते इसलिए मेरे मुंह से आदमी निकल गए, यहाँ तो सब अभी तो एकदम गबरू जवान है। तो मैं वो मिला और मुझे बोला सर हैप्पी न्यू ईयर। मैंने कहा यार आज गणतंत्र दिवस है, बसंत पंचमी। बोले जी ये तो है ही, इसकी तो बहुत बहुत बधाई है, लेकिन हैप्पी न्यू ईयर। मैंने कहा क्यों भाई हैप्पी न्यू ईयर अभी से क्यों? बोले जी पूरे साल चल, पूरे पूरी जनवरी हैप्पी न्यू ईयर चलता है। मैंने चार लाइनें बिल्कुल तभी लिखी। आप लोगों को कहते ये देखो ये जो ओढ़ के बैठ गया है शॉल, आप ठीक से देखो, ऐसा नहीं लगता सिलाई मशीन मांगने के लिए वो जो बैठी रहती नहीं नहीं विधवा नहीं बोलूंगा ये बोल रहे बता दो विधवा नहीं भैया, ये ऐसी विधवा, कईयों को विधवा कर दिया अभी इन्होंने थोड़ी देर पहले, वो तलवार निकाल ली ऐसे योद्धा ऐसे। मैं तो आपको विजय जी सच बता रहा हूँ एक घटना, विजय बाबू अभी मैं राजस्थान गया था भाई साहब जी, तो एक योद्धा को मैंने देखा वो बीच सड़क पर टांग ऐसे फैलाए हुए हाथ में तलवार लिए हुए। मैंने कहा ये कौन से पोजीशन में है भाई ये योद्धा? बोले कि जी दरअसल क्या था कि जो पिछली सरकार थी यहाँ पे तब घोड़े का और योद्धा का दोनों का टेंडर पास हुआ एक साथ। योद्धा का टेंडर जो था वो 2 लाख रुपए का था, घोड़े का 8 लाख रुपए का था। तो पिछली सरकार ने योद्धा को तो बना दिया, घोड़ा बनाते इससे पहले सरकार बदल गई, टेंडर अटक गया, अब योद्धा जो है अटक गया, घोड़े का इंतजार कर रहा है, इसलिए वो बेचारा।